सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच
बड़े ही गहरे भाव वाला शब्द है भगत कबीर जी का और बड़ी ही गहरी शिक्षा छिपी हुई है इस शब्द में। बहुत ही प्यारी शिक्षा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति को ध्यान से अगर समझेंगे ना तो जीवन का सार है ये शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन गई मत दिन भी जाए। रात तो हाथ से निकल गई, अब कहीं दिन भी हाथ से ना निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होते हैं अखरी अर्थ, अक्षरों के अर्थ, एक होते हैं भाव अर्थ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके अक्षरी अर्थ करेंगे तो रात हाथ से निकल चुकी है, कभी दिन ना हाथ से निकल जाए। और अगर भाव अर्थ करेंगे तो भगत कबीर जी कह रहे हैं कि रैन गई मत दिन भी जाए। जवानी तो हाथ से चली गई, कम से कम बुढ़ेपा संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस पंक्ति को। रैन गई मत दिन भी जाए। रात कहा है जवानी को, दिन कहा है बुढ़ेपे को, उल्टा कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि है ये सीधा, हमारी नजरों में रात बुढ़ेपा होगी, दिन जवानी होगा। नहीं, भगत कबीर जी कह रहे हैं रात जवानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेन समय है वो जवानी का है। जवानी में इंसान जो चाहे कर सकता है, शरीर में ताकत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे तो चौंकड़ा मारकर पूरा 24 घंटे नाम जप सकता है जवानी में। ऐसे हैं आपकी संगत में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने तर्स किया है, एक चौकड़े पर 24 घंटे नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन गई मत दिन भी जाए। बिना नाम जपे हुए जवानी तो निकल गई। अब ज्ञान हो गया के नाम जपना चाहिए तो कम से कम बुढ़ेपा संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भवर गए बग बैठे आए, काले बाल चले गए,
अब सफेद बाल आने लग गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भंवर गए बग बैठे आए, बग का है बगले को सफेद बाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहन गई मत दिन भी जाए। इसका अगर दूसरा भाव भी ले लेना कि कोई अमृत ले उठ के नाम नहीं जप सकता, नहीं जपा जाता, उससे नहीं उठा जाता, तो क्या दिन में नाम ना जपे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कम से कम दिन संभाल ले। अगर अमृतले नहीं उठ पा रहा, नहीं तेरे से नाम जपा जा रहा अमृतले, तो दिन संभाल ले। तू दिन संभालेगा, अरदास करेगा गुरु को, पाछा मैं अमृतले उठना चाहता हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, गुरु तर्स कर देगा, अमृत वेला भी बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के समय नाम जपने का ये फल तुझे मिल जाएगा कि तुझे अमृत वेला प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहन गई मत दिन भी जाए। जितना समय बिना नाम जपे निकल गया, निकल गया, अब सोजी हो गई है तो अब जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय व्यर्थ मत गवा। आज जो हम सिमरन में पंक्तियां लिए सारी, रैन गवाई सोए कह दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। पिता दे धन हीरे दे, जब बाजार से कुछ लेके आ, हीरे देकर कौड़ियां ले आए, तो क्या कहेंगे उसे महामूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब महामूर्ख ही हैं। श्वास रूपी लाल, कीमती लाल, जो सारी दुनिया के हीरे देकर एक श्वास नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर लोग कहते हैं ना, दास हमेशा कहता है कि आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, नहीं तू खाली हाथ नहीं आया, बेश कीमती श्वास लेकर आया है, अनमोल श्वास। सारी दुनिया की दौलत देकर डॉक्टर को कहोगे एक श्वास दे दे, कहेगा मेरे हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी कहा है, नहीं वो लबने लाल गवाचे, ये लाल इतने सारे हीरे इकट्ठे करो ना तो एक लाल मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेश कीमती होता है। साल सराय जौहरी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था, तू जौहरी है, तूने लाल की कीमत पहचान ली, ये बेश कीमती है, पर तू असली लालों की कीमत नहीं पहचान पाया। सुन सालस तू जौहरी, अपना लाल पहचान। तो हाथ जोड़कर कहता है सालस राय जौहरी कि असली लाल कौन सा है? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरे श्वास, ये जो एक एक श्वास जा रहा है, अगर हर श्वास के साथ निकला वाहिगुरु तो इसकी कीमत पड़ गई, और अगर इसे छोड़कर कुछ भी किया तो हीरे देकर कौड़िया ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहन गवाई सोए के दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। और अगर यही रहन नाम सिमरन में बीत जाए, जो गुरु ने आप पे तर्स किया हम सब पे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये हीरों का व्यापार हो रहा है, लालों का, हीरों के बदले लाल इकट्ठे हो रहे हैं। प्यार से बदलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहन गई मत दिन भी जाए। रहन गई मत दिन भी जाए। रहन गई मत दिन भी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या कर सकते हो। शॉर्ट में अर्थ लेकर आगे बढ़ते हैं। थर हर कंपे बाला जियो, मैंने नाम जपा नहीं, उम्र सारी ऐसे ही बिता दी, अब डर लग रहा है कि गुरु के सामने जाऊं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या जाना क्या कर सकते हो, मेरा क्या हाल करेगा, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसने मुझे हीरे दिए थे, मैं गवा कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काचे करवे रहे न पानी, कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता, इस बात को मैं पहचान नहीं पाया। भाव मैंने मौत को याद नहीं रखा कि यह शरीर हमेशा नहीं रहना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन ये शरीर छूटेगा, हिसाब होगा एक एक श्वास का कहां खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मालिक हिसाब लेता है ना, लिस्ट निकाल कर, तो जिसने तो कुछ गड़बड़ नहीं की होती वो आराम से खड़ा रहता है,
हिसाब देता है एक एक चीज का, कहाँ खर्च हुए और जिसने गड़बड़ की हो क्या हालत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी वो हालत है, कितने श्वास कैसे बिताते हमें पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काचे करवे रहे न पानी, हंस चलिया काया को बुलानी, कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलिया माने बाज पतारा। कुआरी कन्या शिगार कर ले, पति नहीं है उसके शिगार की तारीफ करने वाला, तो शिगार का क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने भी पदार्थ हमारे पास हो, नाम नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास गुरु पति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लाभ, चाहे जितने भी पदार्थ इकट्ठे कर ले अगर नाम नहीं है तो कबीर जी कहते क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई आ गया था ना, बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा, और बार बार उसके आसपास जो होते हैं लोग, बड़े लोगों के आसपास होते हैं ना, चमचे रखे होते हैं, वो बार बार बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बड़े मंत्री इसकी जेब में, कोई भी काम वो कर देंगे एक चुटकी में, आप कोई सेवा बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार कह रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी इग्नोर कर रहे हैं, पर आखिर में कहने लगे भाई तेरा नितनेम कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस अमीर आदमी से पूछते तेरा नितनेम कितना है, वो आगे से हाथ जोड़कर कहते हैं नितनेम क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आप लोग कहते हो कि इसके जैसा अमीर कोई नहीं, मेरी नजरों में इसके जैसा फकीर कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने भगवान ने इतनी नेमतों से नवाजा और उसके नितनेम का नहीं पता, नाम का नहीं पता, इसके जैसा फकीर कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी नजरों में होंगे धनवान लोग अमीर, गुरु की नजरों में टके की नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं है नाम पल्ले तो गुरु की नजरों में हमारी कोई कीमत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग उड़ावत पूजा पिरानी, कहे कबीर एक कथा सिरानी। ये अगर पुरातन जमाने में देखेंगे ना तो छत पे कौवे को उड़ाते थे किसी के इंतजार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे मैं तेरे इंतजार में कौओं को उड़ा उड़ा के थक गया हूं, मेरे हाथ थक गए हैं, भाव नाम जप जप के दिन रात में थक गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर कथा सिरानी, मेरी अंतिम श्वास देने का समय आ गया, अब तो प्रभु आके मिल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या अवस्था है, पर हमें ये ज्ञान दिया है क्या, इन पंक्तियों का अगर शॉर्ट में मतलब समझना हो तो एक ही है, इट्स नेवर टू लेट। अब देर नहीं हुई है, अभी भी संभाल लो समा। जिन्होंने अमृत वेला अब चालीस से शुरू किया है, कसम खा लो मन में कि आज के बाद कभी रात को सोएंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो, पता नहीं कौन सा श्वास आखिरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शरीर कैसे चलता है, एक श्वास आया एक श्वास गया, ये शरीर की क्रिया है, इस प्रकार से शरीर चलता है। जिस दिन श्वास गया वापस नहीं आया, शरीर खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कब हो जाए किसी के नहीं पता, श्वास बाहर निकला है वापस आएगा कि नहीं हमें नहीं पता, कौन से श्वास आखिरी है हमें नहीं पता। संभाल लो समा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रैन गए मत दिन भी जाए, रह गए मत दिन भी जाए, रह गए मत दिन भी जाए। जिसका दिया पैने खाए तिस शो धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, जिसका दिया पहने खाए
जिसका दिया हुआ पहनता है, जिसका दिया हुआ खाता है, उसका नाम जपने में आलस क्यों करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस संसार में सबसे बड़ा गुनाह अगर गुरबानी के अनुसार कोई है ना, तो वो है अकीर्त घन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकीर्त घन किसे कहते हैं? किसी के किए हुए को भूल जाना, किसी के उपकार को भूल जाना। और सबसे बड़ा उपकार है ये मनुष्य देही जो भगवान ने हमें दिए, जो गुरु नानक ने हमें दिया है मनुष्य देही। जानवर भी तो बाहर है, कुत्ते बैठे हैं, कोई देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा, कोई चॉइस नहीं है। हमें भी वहां रख सकता था, तर्स किया है, ये मनुष्य देही दी है, इससे बड़ा क्या उपकार होगा। बाबा नानसिंह जी कहते थे 24 घंटे दिए हैं तुझे, जो मर्जी कर, 2.5 घंटे 10% तो गुरु को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू ये नहीं करता, सबसे बड़ा अकीर्त घन है तू, बाबा नानसिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबसे बड़े अकीर्त घन है अगर 2.5 घंटे गुरु को नहीं देते नाम जपने में अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसका दिया पहने खाए, तिस्यो आलस क्यों बने माए। आगे खसम बिसार आन खम लागे, कौड़ी बदले रतन त्यागे, नयो लबने लाल कवाचे, नयो लबने लाल गवाचे, स्वासानु ना रोल बंदे नयो लबने लाल गवाचे, स्वासानु ना रोल बंदे स्वासानु ना रोल बंदिया, 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 स्वासानु ना रोल खसम विसार आन कम लागे, कौड़ी बदले रतन त्यागे। प्रभु का नाम जपना छोड़कर दूसरे काम कर रहा है व्यर्थ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खसम विसार आन कम लागे, कौड़ी बदले रतन त्यागे, रत्नों का त्याग कर रहा है, हीरों का, हीरे जवाहरात का त्याग करके क्या इकट्ठे कर रहे हैं? कौड़ियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। प्रभु त्याग लागत अन लोभा, दास सलाम करत कत शोभा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु प्रभु त्याग लागत अनिलोभा, दास सलाम करत कत शोभा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े प्यारे अर्थ है। प्रभु त्याग लागत अनिलोभा, प्रभु को त्यागा, दूसरे सामान इकट्ठे करने में लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ में माया धन के पीछे हम सब करते हैं, कौन है जो नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। दास सलाम करत कत शोभा, अब एक मालिक हो, बड़े ध्यान से समझना जो पांचवे गुरु नानक समझा रहे हैं। मालिक को छोड़कर तू उसके नौकरों से दोस्ती कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास से दोस्ती कर रहा है, दास को सलाम कर रहा है। सलाम करना किसे है? मालिक को। हम सलाम किसे ठोक रहे हैं? नौकर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको जरा गहराई से समझना हो तो, अभी आने वाली है ना दिवाली,
तो दिवाली मनाई क्यों जाती है? बड़े ध्यान से समझना, क्यों मनाई जाती है? राम जी ने अयोध्या में वापस लौटे रावण को मारकर, तो बड़ाई तो राम जी की है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम को छोड़कर हम पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी की। पूजा होनी चाहिए थी राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि राम को छोड़कर तू लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, नारायण को पकड़, नारायण को पकड़, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास सलाम करत कत शोभा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अगर तू नाम को पकड़ लेगा, सारे पदार्थ जिनके पीछे हम भाग रहे हैं वो पदार्थ हमारे पीछे भागेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे ना जाने स्वान। स्वान का है कुत्ते को। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं सब कुछ खा रहा है, 36 पदार्थ खा रहा है, और खाने के बाद अगर उसका शुक्राना नहीं करता, अमृत लोट के नाम नहीं जपता, तो तू कुत्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु महाराज की नजरों में हम कुत्ते हैं, कुकर हैं, स्वान हैं, अगर शुक्राना नहीं करते इतना कुछ खा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह नानक हम लून हरामी, बख्श लियो प्रभ अंतर जामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह नानक हम लून हरामी, बख्श लियो प्रभ अंतर जामी। नयो लब लाल गवाचे, ये बात मन में बैठ जाए, यहां पर फिट हो जाए कि नयो लब ने जब भी श्वास व्यर्थ गवाने लगे, ये पंक्तियां यहां पर गूंज उठे, हे गुरु नानक मेहर कर। नयो लब लाल गवाचे, श्वासानु नरोल बंदे लाल गवाचे, श्वासानु नरोल बंदे नयो लपणी लाल गवाचे, श्वासानु नरोल बंदे लाल गवाचे, श्वासानु नरोल बंदे राम जप ले संगत विच आके, नाम जप ले संगत विच आके, श्वासानू ना रोल बंदे आ। नयो लपणे लाल गवाचे, श्वासानू ना रोल बंदे आ। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो हो अन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका सम करे, संग सहाय पर हरे, चंदन लेप उतारे धोए, गर्धव प्रीत पसम संग हो। से बोलिए धन गुरु। क्या क्या कह रहे हैं महाराज हमें, पहले कुत्ता कहा है अब गधा कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर नाम नहीं जपते, शुक्राना नहीं करते, श्वासों को नहीं संभालते, तो गुरु की नजरों में हम जानवर हैं। तो इसका मतलब पता क्या है, अगर श्वास नहीं संभाले तो अगला जन्म क्या है, जानवर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पिता पुत्र को धन देता है, ये महापुरुष समझाया करते थे विधि की अवस्थाएं कैसे मिलती है। हम कहते हैं ना ये अवस्था चढ़ चढ़ के संत बन गया है, पहले इसकी अवस्था ये थी, आज यहां पर है। ये अवस्था मिलती कैसे है, इस सीढ़ी को ध्यान से समझना। पिता ने पुत्र को धन दिया, जा व्यापार करके आ। वो व्यापार किया उसने और उसका काफी अच्छा मुनाफा कमा के लाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता खुश हुआ कि इसने जिम्मेदारी से काम किया है, अब अगली बार और ज्यादा धन देता है कि जा अब और व्यापार करके आ। वो और कमा कर लाता है, एक दिन पिता सारी जायदाद उसके नाम कर देता है क्योंकि अब ये सब संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक बच्चा है,
धन दिया गवा कर आ गया, पूछा कैसे गवा दिया, तो यहाँ वहां खर्च कर दिया, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, गया था कमाने पर कमा के नहीं आया, यहाँ वहां खर्च कर दिया, फजूल खर्ची कर दे, तो पिता अगली बार और धन देगा, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, क्या करेगा, क्या करेगा, सजा देगा, समझाएगा, तो कीमत समझ पैसे की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन की कीमत समझाने के लिए क्या करेगा, काम करवाएगा उसे ताकि वैल्यू पता चले पैसे की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हाल महापुरुष कहते थे, गुरु हमारे साथ करता है, अगर तो श्वास संभाल के नाम जपा, जब उसके सामने जाएंगे कि इसने श्वासों को संभाला है, अमृत ले उठा है, नाम जपा है, गरीब की मदद की है, जो सिखी का जीवन है उस पर चला है, किसी का हक नहीं मारा है, तो गुरु अगली बार अवस्था देकर भेजेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अवस्था देते 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 एक दिन संत की पदवी दे देगा, संत की अवस्था, भाव अपनी सारी चाबियां उसके हाथ में दे देगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के हाथ में जैसे चाबियां दे दी, जैसे बाबा दीप सिंह जी के हाथ में दे दी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चाबियां, जो चाहिए मांग लो मिल जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर संभाल के नहीं गए श्वास, तो गुरु क्या करेगा समझाने के लिए, 84 लाख जोनी है भाई, तो ये श्वासों की कदर तो है नहीं, तो जा फिर 84 लाख भुगत, ताकि तुझे पता चले कि इंसानी शरीर होता क्या है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्वास संभाल लिए संत की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, श्वास गवा लिए जानवर की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन लेप उतारे तोए, हमारी मन की अवस्था क्या है, चंदन लेप, चंदन की सुगंध उतार कर, गधा क्या करता है, गधे को चंदन लगा दो तो गधा क्या करता है, आखिर में उसको मिट्टी में ही लेटना है, उसमें उसे उसी में मजा आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा कहते तेरी वही हालत है, तुझे श्वास देकर भेजे बेशकीमती, पर तूने क्या किया, तू चंदन की सुगंध से कुछ बनाया नहीं, क्या किया, कीचड़ में ही चला गया, मिट्टी में लेटने गधे के जैसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन श्वासों से नाम जपा जा सकता था, इन श्वासों से पर उपकार किया जा सकता था, पर इन्हीं श्वासों को वासना भोगने में, इन्हीं श्वासों को दूसरों को हानि पहुंचाने में, इन्हीं श्वासों को, सिंपल है सत्संग जी, एक बात अच्छे से समझ लेना, अगर इंसान सही जगह की तरफ नहीं चलता ना, तो बुरी तरफ अपने आप हो जाता है, उसे ले जाना नहीं पड़ता। दो ही तरीके हैं जीने के, सच्चा रास्ता, गलत रास्ता। अगर सही रास्ते पे इंसान नहीं चला, गलत रास्ता अपने आप आना ही है, बीच की कोई जगह नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कोई ये समझे मेरे में बड़े गुण हैं, मैं नाम नहीं जपूंगा, मैं सच्चा हूँ, मैं ये हूँ, पर वाणी कहती है हर बिसरत तेरे गुण गलिया, मन एक ना चेतस मूड मना, अगर तू नित्यनेम नहीं संभालता, नाम नहीं जपता, तेरे में जितने गुण है एक एक करके खत्म हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल, ये अरदास है आखिर में, हे वाहेगुरु मैं तो डूबा हुआ ही हूँ, तू ही निकाल सके तो निकाल दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ खड़े कर दिए अपने कि पाछा मैं नहीं तर सकता इस सागर से, तू तरस कर मुझे निकाल, और ये सच है सत्संग जी। हम कई बार ये कहते हैं ना कि मौत देख के अच्छे अच्छों को भगवान याद आ जाते हैं, ये सबकी हालत नहीं होती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने सारा जीवन नाम नहीं जपा ना, वो अंत समय में भी नाम नहीं जप पाते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं जप पाते, सच्ची बात है। एक घटना याद आ गई मेरी, ये घटना महापुरुषों ने सुनाई थी, कहते कोई परिवार ले आया अपने पिता को, के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कुछ ही महीने का इसका जीवन बाकी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ ही हफ्तों का, महीने भी नहीं, पता नहीं कब तक है, बीमारी ऐसी है कि बचेंगे नहीं। हम कहते हैं नाम जप लो, नहीं जपते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष से पूछे करता क्या है फिर ये पूरा दिन, पता चल गया मौत आनी ही है, अब कुछ ही दिन बाकी है, या तो ना इंसान को पता नहीं है, पता चल गया है कि मर जाना है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहते पूरा दिन टीवी पर शेयर मार्केट लगाकर बैठे रहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत आ गई है, कहते करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए शेयर मार्केट में, और टीवी के आगे बैठे रहते हैं, मार्केट गिरती है तो रोने लग जाते हैं, मार्केट टूटती है तो खुश होने लग जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत आ गई है पर शेयर मार्केट का मोह अब तक नहीं गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कभी जपा नहीं, कभी संगत की नहीं, ज्ञान है नहीं,
अब समझा रहे हैं मौत आ गई, डॉक्टर भी कह रहे हैं मौत आ गई, घर वाले कह रहे हैं मौत आ गई, तो भी नहीं जपा जा रहा। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें गुरु ने सुमत बख्शी है, अमृत अपने चरणों में बिठाया है, ज्ञान दे रहे हैं वाणी के आधार पर, हम तो समझ जाएं क्या। रैन गए मत दिन भी जाए, रैन गए मत दिन भी जाए, दिन में प्राण छिन छिन और भी हाथ है, फूटे घट जो पान, हर गुण का है नगाही, मूर्ख अज्ञाना झूठ है लालच लाग के, ना है मरण पछाड़ा। हर से बोलिए धन गुरुनान। अब जो पंक्ति आ रही है ना, ये बहुत कमाल की है, बहुत कीमती है, इन्हें ध्यान से सुनिए। आज हूं कछ बिगड़ो नहीं, जो प्रभु गुण गावे कहो नानक तह भजन ते, निरपय पद पावे। ऐसे बोलिए धन गुरु, धन गुरु। अज हूं कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, अब भी समा है, कुछ बिगड़ा नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गोविंदवाल साहब में विराजमान है। छोटी सी घटना, एक फकीर आया पहाड़ों से तप करके, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके, कि गुरु अमरदास जी से वार्तालाप करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी सिद्ध योगी होते थे ना, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करके ज्ञान चर्चा करने आते थे दूसरों को हराने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता चला गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक, गुरता गद्दी पर विराजमान है, गुरु नानक की गद्दी पर आ गया ज्ञान चर्चा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार से कहा कि मिलना है गुरु अमरदास जी से। सेवादार ने कहा कि दोपहर का समय है, यह उनका नियम है कि दोपहर के समय वो पोथी में से बाणी पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप शाम के वक्त आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा कि गुरु बन गए हैं अब भी बानी पढ़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहा फकीर ने, गुरु बन गए हैं अब बानी पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी भी शिष्य ही है, गुरु नहीं बन पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु अमरदास जी अंतर्जामी आ गए बाहर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फकीर जी हम सिख हैं, गुरु नानक के सिख। सिख वो जो मरते दम दम तक सीखे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गुरु नहीं, हम शिक्षक शिष्य ही हैं, मरते दम तक शिष्य ही। कहते पर आपको वाणी पढ़ने की क्या जरूरत। यहाँ पर गुरु अमरदास जी ने जो उपदेश दिया ये पंक्तियां बड़ी काम की। अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। इस चीज की मिसाल गुरु अमरदास जी के जीवन से बड़ी कोई मिल ही नहीं सकती। गुरु अमरदास जी कहने लगे फकीर साई 72 साल की उम्र में मैंने गुरबानी का पहला शब्द सुना था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 72 साल की आयु में सात संगत जी, जिस वक्त इंसान सोचता है कि अब तो कुछ समय कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन में, खटिया पर होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 72 साल की आयु में गुरु अमरदास जी ने पहली बार गुरबानी का शब्द सुना था। कहने के उस एक शब्द ने मेरा जीवन पलटी करके रख दिया, मुझे गुरु नानक से मिला दिया। ये नहीं कहा गुरु नानक बना दिया, विनम्रता, मुझे गुरु नानक से मिला दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जिस एक शब्द ने, मैं डूबा हुआ था कर्म कांडो में, एक गुरबानी के शब्द ने मेरा जीवन पलटी कर दिया। जिस बाणी के एक शब्द ने मेरा जीवन पलटी कर दिया, उस बाणी को तो मैं इस मरते दम तक पढ़ता रहूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे एक पहाड़ हो, पहाड़ की खुदाई शुरू हो और वहां पर सोना निकल आए तो आदमी पूरा पहाड़ खोद देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द ने जीवन पलटी कर दिया वो बाणी के, तो ये बाणी कितनी कीमती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने 72 साल की आयु में पहली बार गुरबाणी सुनी, उसके बाद 12 साल सेवा की गुरु अंगद देव जी की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब लगाइए, और हम कैसे कह दे कि समा भी बाकी नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही तो बाणी कह रही है, अगर तेरी जवानी बीत गई है बुढ़े पास संभाल ले। गुरु अमरदास जी ने मिसाल काम करके दी है, ऐसे संभाला है कि गुरु नानक के गद्दी के वारिस ही बन गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, रहन गई मत दिन भी जाए, मत मन को गिरने देना कि अब समय नहीं बचा, जितना समय है संभाल ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी एक बड़ी प्यारी घटना अपने जीवन की बताते हैं, ये इस बात को साबित करती है। कौन सी? अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहन गई मत दिन भी जाए, रहन गई मत दिन भी जाए, रहन गई मत दिन भी जाए, बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी लिखते, कहने लगे मेरी जवानी की उम्र थी, बड़े महान लिखारी हुए हैं, इनकी लिखतों की किताबें उन्होंने गुरु नानक पाशा के जीवन से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन तक ऐसी कई कई किताबें लिखी हैं, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख पंथ के महान लिखारियों में से एक लिखारी गिने जाते हैं भाई साहब, भाई वीर सिंह जी। ऊंचा सुच्चा जीवन, कमाई वाला। कहने लगे मैं जी जवानी की उम्र थी, मैं दिल्ली गया किसी काम से, तो वहां पर मुझे कोई मिल गया, कहने लगा आपका मित्र बड़ा बीमार है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतसर रहते थे श्री अमृतसर साहब भाई साहब, भाई वीर सिंह जी, पर दिल्ली किसी काम से गए, तो वहां पर कोई मिल गया कि आपका मित्र बहुत बीमार है और वो कई बार आपको याद भी करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत थोड़ा समय बचा है, कुछ दिनों का मेहमान है या कुछ हफ्तों का। भाई वीर सिंह जी को तरस आ गया, मिलने चले गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कि मैं घर में गया, मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगा मेरा मित्र बचपन का। कहने कि मैंने पूछा रो क्यों रहा है, कहने लगा सारा जीवन मैंने सिर्फ पाप कमाया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नेक काम नहीं किया, लोगों को ठगा है, जितने पाप हो सकते हैं किए, किसी का भला नहीं किया, नाम जपना तो दूर की बात रही, सत्संगत तो मैंने कभी देखी नहीं।
अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मुझे मौत दिखाई दे रही है, अब डर लग रहा है, अब मेरा हिसाब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी आत्मा का क्या होगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा आप संत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, संत की अवस्था प्राप्त है आपको, क्योंकि जानते थे कि दुनिया भाई वीर सिंह जी का कितना सत्कार करती है। कोई रास्ता बता दो, मुझे बचा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने उदाहरण दिया, पूछने लगे एक बात बता, जहाज बड़ा के समुंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी कीमती बात है हमारे लिए, जब मन गिरावट में हो ना ये सोच लेना। भाई वीर सिंह जी ने अपने मित्र से पूछा, जहाज बड़ा जो पानी में चलते हैं या समंदर? तो मित्र कहने लगा समंदर, करोड़ों जहाज उसमें डूब जाए किसी को पता ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र को तो पता भी ना चले। तो कहने लगे एक बात समझ, हमारे गुनाह कितने भी बड़े हो आखिर में तो गिनती में है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाख गुना किए होंगे, एक करोड़ किए होंगे, गिनती तो होगी ना, ये गुना किया ये गुना किया, तो गिनती में आगे गुना। पर मेरे गुरु नानक की मेहर, मेरे गुरु नानक की नजर, मेरे गुरु नानक का तरस समंदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारे गुनाह उसमें डूब जाएंगे अगर उसकी नजर हो गई। तो वो कहने लगा, अब इस जो मैंने सारा जीवन नाम नहीं जपा, मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया, अब कैसे नजर हो जाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे एक काम कर ले, मेरी एक बात मान ले, अब तेरे पास कितना समय मुझे नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, पर है थोड़ा। अब साफ जगह से ध्यान हटा के आत्मा से वाहेगुरु 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 कर, आत्मा से। आइए आंखें बंद, पीठ सीधी, मन एकाग्रचित कीजिए। संगत में एक बार वाहेगुरु कहने का महात्म बयान नहीं किया जा सकता अगर मन जोड़ कर निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहेगुरु 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 समा नहीं है ना, नहीं तो 8 बजे आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना रस आता है जब संगत आप गाते हो ना साथ में, मन नहीं करता भोग डालने का, पर घड़ी टाइम बताती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस 5 मिनट और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी अपने मित्र से कहने लगे, अब आत्मा से वाहेगुरु 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 कर, सब तरफ से ध्यान हटा ले, वाहेगुरु ही करता जा बस, ना किसी से मिल ना किसी से बात कर। सारा जीवन तूने परिवार के साथ निभाया है, परिवार ने तेरे साथ निभाया है, अब जितना समय है केवल वाहेगुरु वाहेगुरु कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अज हूँ कछ बिगड़ियो नहीं जो रब गुण गावे, अभी भी समय है संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी कहने लगे, मैं उसे ये कह के चला गया। रोज का नेम था भाई साहब भाई वीर सिंह जी का हरिमंदर साहब जाने का। कहते हैं रात को 3 बजे जाते थे वो हरिमंदर साहब। कहने लगे रात को 1:15 पे 1:15 मुझे सपना आया। स्वप्न क्या आया कि मैं हरिमंदर साहब में परिक्रमा कर रहा हूं, और जो इलायची बेरी है ना हरिमंदर साहब में परिक्रमा में, वहां पर ये मेरा मित्र खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और बहुत प्रसन्न है खुश है।
मैंने कहा तू यहाँ कैसे? कहने का बड़ी कृपा हो गई गुरु नानक की, उसने बख्श दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक, आपने जो सिमरन दिया वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरु नानक ने मुझे बख्श दिया, बहुत खुश हूँ मैं, आनंद में हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहने के मेरी आंख खुल गई, आंख खुली तो देखा मैं सपना देख रहा था। अब जब ऐसे लोग होते हैं ना जो ज्ञानी, वो बात को लाइटली नहीं लेते। कहने के उसी वक्त मैंने अपने एक आदमी को, क्योंकि बहुत अमीर आदमी थे भाई साहब वीर सिंह जी, उसी वक्त तत्काल दिल्ली भेजा उसके घर में। उस वक्त फोन वगैरह ऐसे नहीं होते थे, दिल्ली भेजा उसके घर में कि पता कर कि वो जीवित है कि मर गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर मरा तो कितने बजे मरा? तो जब उस आदमी दिल्ली से पता करके वापस आया, बताया कि 1:13 पे उसकी मृत्यु हुई है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रात सपना देखा परकर्मा में खड़ा है हरमंदर साहब में, घर से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 1.5 का सिमरन साथ संगत, सारा जीवन पाप कमाए, 1.5 का सिमरन वाहेगुरु सिमरन मन जोड़ के उसने कर लिया, किसी तरह से गुरु ने बख्श दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं अपनी इस किताब में कि वाहेगुरु सिमरन कोई 5 भी रोज कर लेना मन जोड़ के, 5 गुरु के आगे बैठ कर, गुरु नानक बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज कछ बिगड़ियो नहीं, मत सोचना कि हमारा समय बीत गया, अभी तो समय हाथ में। मुझे बहुत खुशी होती है, हमेशा कहता हूँ यंग जनरेशन जो जुड़ी है सबसे ज्यादा, इन्होंने तो अभी समय संभाल लिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इनके जीवन से तो दुख कट गए, इन्हें ज्ञान है कि क्या करना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे की कितने पुश्ते नाम से जुड़ गई, कितनी पुश्ते अमृत वेले से। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, प्रकरण तो अभी और बहुत बड़ा है पर समा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस एक बात है, गुरु नानक मेहर करे। भंवर गए बग बैठे आए, काले बाल चल गए सफेद आ गए। अब हम अगर उसे काला करते बैठे उसे समय नहीं रुकने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाणी में तो इसे बड़ा मजाकिया तौर पे कहा है, कहते हैं खेत है, खेत में है कुछ नहीं पर उसे वाड़ लगा के बैठा है। खेत में फसल नहीं है पर वाड़ लगा रहा है, जानवर खेत खाना जाए। भाव शरीर में ताकत नहीं है, बूढ़ा हो गया है पर बाल फिर काले कर रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम जब बाल काले करते हैं इसका मतलब सिंपल है, गुरु मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं जवानी हूँ। भंवर गए बग बैठे आए, कहाँ है बग, मेरे तो काले ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु को समर्पित हो जाते हैं, और एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा जिस प्रकार गुरु ने बनाया उस प्रकार अगर रहेंगे ना, उससे खूबसूरत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे कुछ भी कर लो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे गुरु ने बनाया वैसे रहोगे तुम, चाहे बाकी कुछ भी करते जाओ फैशन के नाम पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वरूप देख लो, उसके जैसा कोई दूसरा है? कोई है दूसरा? कृष्ण जी को केशवा कहा जाता था एक्चुअली में, आजकल के टीवी सीरियल में दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं, पर अगर आप पूरा इतिहास पढ़ोगे कृष्ण जी की भी दाढ़ी मूछे और बाल थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, केशवा कहा जाता था उन्हें। राम जी के भी थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए सबके केश थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसे गुरु ने बनाया वैसे रहे। गुरु गोविंद सिंह माने सिखी स्वरूप दिया ही था, जैसे इंसान जन्म लेगा वैसा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी को जब गुरु नानक पाशाह ने साथ में रखा तो 3 दिए थे। पहला वचन था कि अमृत वेले उठना ही उठना है, साथ में रखना है तो 3 की थी गुरु नानक पाशाह ने, अमृत वेले उठना ही उठना है। दूसरा, किसी की निंदा भूल कर भी नहीं करनी है, और किसी संत की तो सपने में भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा वचन था कि केस कतल नहीं करनी, भाव बाल नहीं कटवाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। जय गुरु जी की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी की। Get it.